एक बीवी ने अपने हस्बैंड पे केस किया है, दिल पे पत्थर रख पैर पकड़ती थी कि मत, फिर जो पैर में हाथ में लात में जो आता था वो दिल मुझे मारता था, खुद ही मारता है, खुद ही ऐसा मार के वीडियो बनाता है। एक बीवी ने अपने हस्बैंड पे केस किया है, दिल पे पत्थर रख, क्योंकि उन्होंने 7 महीने से जो मुझे टॉर्चर किया था, मैं मीडिया के और पब्लिक के डर से कभी आई नहीं। मैं सोची, माँ ने भी कहा जाने दे, थोड़ा सह ले सह ले, माँ ने कहा था सह ले, एक औरत का जीवन होता है शादी के बाद, थोड़ा सह ले। माँ को मैं चोट दिखाती, माँ कितना सहूँ, माँ अब मेरी माँ ही नहीं रही है। उनके वकील डेफिनेटली आए हैं, मुझे नहीं पता, वो मेरे वकील से बात करे और वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। मैंने तो कोर्ट में सारे प्रूफ दिए हैं, और कल रात को पुलिस भी घर पे आई थी, इन्वेस्टिगेशन करने भी आई थी उन, हाँ मारपीट का। अभी भी आप चलिए मेरे घर में, चल सकते चलिए, पूरा टूटा हुआ है, जिस ग्लास से मुझे मारा है वो टूटा हुआ, अगर आप लोग मेरे घर आ सकते तो आप आइए। वो जब मुझे मारते थे तो मेरे बचाव में मैंने धक्का वक्का मारा होगा कि मत मारो मुझे, एक लड़की के लिए तुम मुझे मार रहे हो, वो दूसरी औरत के लिए तुम मुझे मार रहे हो, क्योंकि वो कह रही थी मारो उसे मारो, क्योंकि मैं उसके पैर पकड़, वो घर छोड़ के जाना चाहते थे, उनको पैर पकड़ती थी कि मत, फिर जो पैर में हाथ में लात में जो आता था वो आदिल मुझे मारता था। आप मेडिकल में डेफिनेटली लेके जाना चाहिए आदिल को, मुझे लगता है। हाँ, आदिल खुद ही अपने आप को मारता है, खुद ही चोट पहुँचाता है, कार में बैठ के घर में बैठ के खुद ही मारता है, खुद ही ऐसा मार के वीडियो बनाता है। आदिल को अगर राखी ने मारा है तो उसके फिंगरप्रिंट्स तो मिलेंगे, एक लड़की के मारने में और अपने आप को मारने में पता चल जाता है, और एक पति को एक औरत क्यों मारेगी जिसके लिए वो 7 महीने से चुप बैठी, उसकी मार खाती रही, उसकी टॉर्चर सहती रही, उसकी झूठ को बर्दाश्त किया, पैसे उसने लुटा दिए, उसकी ये भी पता चला कि शादीशुदा है वो, और राखी ने 4 लड़कियों को उससे छुड़वाया, एक औरत ने सब जान के कि उसके साथ ऐसे ऐसे बर्ताव हुए हैं, इतना टॉर्चर किया है, तो वो क्या मारेगी? राखी तो चीटी भी नहीं मार सकती, वो दिखती ऐसी है क्योंकि वो एक्ट्रेस है, वो स्ट्रांग है, वो हर औरत की एक छवि है, वो हर लड़की को आश्वासन देती है कि ज़िंदगी में खुद जियो, खुद अपने आप पे मेहनत करके जियो, किसी के बलबूते पे मत रहो। आदिल तो राखी के पैसे भी जिंदा था, राखी के पर उड़ रहा था, एक्टर तो राखी पे बनना चाह रहा था, पब्लिसिटी राखी के नाम से लेना चाह रहा था, उसको बिग बॉस में जाना था, उसको हीरो बनना था, एल्बम में भी राखी के पैसे लगवाए, दुबई में भी राखी के पैसे, अपने पैसे कहाँ हैं उसके? तो जिस आदमी के पास पैसे नहीं है वो मार खाएगा या मारेगा, ये भी तो आप समझ लीजिए ना। आदिल ने उसको इतना टॉर्चर किया, इतना मारा है, लेकिन जिस दिन से माँ गई है उसी दिन माँ के आशीर्वाद से, माँ के प्यार से, माँ की छाया जो उसके सर पर है, उसने राखी को ताकत दी है, राखी को आश्वासन दिया है, आदिल के बारे में सब कुछ सच्चाई बताई उसकी, उसके सारे वीडियोस वायरल जो हुए हैं लड़की के साथ, उसके फोटोज़ सब देखे, उसकी न्यूडिटी उसके साथ देखी, किसिंग के सीन्स देखे। एक हस्बैंड अगर बाहर ऐसा करता है तो सोचे कितनी लड़कियों को उसने बर्बाद किया है, कितने फ़ोन्स आए लड़कियों के राखी को, जब राखी ने कंप्लेन की है कि अगर तू कर सकते तो हम भी आएंगे तेरे साथ। 5-6 लड़कियाँ जिनको इस जिनसे जिनको आदिल ने बर्बाद किया है, मैसूर में, बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, और फिर भी वो शादीशुदा निकला, वो सिर्फ लव जिहाद का ये जो सिस्टम करना चाह रहा था, वो सबके सामने लेके जाना चाह रहा था कि राखी जैसी लड़की अगर मेरे साथ आ गई तो बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर राखी हो सकते तो हम भी क्यों नहीं। और इन फंसने से आज माँ ने उसे बचा दिया, आज माँ के आशीर्वाद से राखी हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में गई है, तो वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। अगर उसको मारा है, उसके पेट पे लात मारी, राखी के पास सारे वीडियोस हैं, और वो मारते हुए शूट करता था वीडियो दिखाने के लिए लोगों को कि देखो मैं ऐसे रखता हूँ एक हीरोइन को, एक एक्ट्रेस को, लेकिन ये जो माँ की ताकत ने उसको हिम्मत दी और आज वो पुलिस स्टेशन गई है, पुलिस ने उसको आश्वासन दिए, उसकी सारी जितनी बातें थी, उसकी जितनी भी धाराएँ लगाई गई है वो सब एक्सेप्ट की है। कोई भी पुलिस वाला इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन राखी सच्चे आंसू रोई है, सच्चा दर्द देखा है उसने, इसलिए उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड करके उस पर धाराएँ लगाई गई है, वो अरेस्ट हुआ है। और अगर वो आदिल मेडिकल में जाता भी है तो मेडिकल में अभी बताएगा, मेडिकल में बताना चाहिए था जिस दिन मारा था राखी को, तुमने जिस दिन मारा उस दिन हमने मेडिकल कराया था, आज से 10 दिन पहले, तो मेडिकल जिसने कराया वो बता रहे हैं। अगर आज पुलिस लेके गई है वो, तो मैं भी अपने को आपको नोच के मैं बोलूँ कि मुझे आपने मारा है, आप मुझे लेके चलो,
अब मुझे लेके चलो मेडिकल में, हाँ दिखेगा कि मैंने आपने मुझे मारा है, तो ये तो सबको पता है। लेकिन वो आज क्यों बोल रहा है मेडिकल आज की, क्योंकि उसको घमंड था अपने आप पे, उसको उसको अपने आप पे इतना घमंड था कि राखी कुछ नहीं करेगी। जबकि कल अरेस्ट होने के पहले उसने इतने फ़ोन किए, मुझे फ़ोन किए, माफ़ी मांग रहा था, राखी के पैर पे गिर रहा था। राखी ने बोला बस मैंने 7 महीने से तुझे मौका दिया, तुझे वक्त दिया, तुझे टाइम दिया, तूने मुझे सिर्फ यूज़ किया, लेकिन अब हद पार हो चुकी। बहुत सारे केसेस निकलेंगे सर, अभी बहुत सारे केसेस निकलेंगे, क्योंकि हम राखी के सामने नहीं बोलते हैं। राखी जो करती है वो अपने मन की करती है, वो एक मैच्योर लड़की है, वो एक एक्ट्रेस है, मैं भाई हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते ऐसे कि राखी जो करती है वो अपनी हिसाब से करती है। अगर उसे लगता है कि मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ तो उसको खुली छूट है। टुडे टुडे आज हमारी जो जो हमारी हिंदुस्तान की जो सभ्यता है उसके हिसाब से अगर वो खुश थी तो हम भी खुश थे। लेकिन जब उसे पता चला कि एक एक करके उसके क्राइम्स आ रहे, वो छुपाती रही, हमें भी नहीं बताया उसने, क्योंकि उसको उसको इसके साथ रहना था। अगर राखी को उसको यूज़ ही करना था, उसके पैसे को यूज़ करना था, तो राखी बोलती क्यों 7 महीने क्यों रुकती। लेकिन जब उसे हकीकत में पता चला है कि ये क्रिमिनल है, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस, अभी तो धीरे धीरे उसे तो मुझे भी मारने की धमकी दी थी। जब मैंने लव जिहाद पे म्यूज़िक वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि राखी तेरे इंस्टा पे पोस्ट कर दे, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया, तो उसने राखी को बोला कि अगर तूने ये पोस्ट किया तो मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा। उसने बहुत लोगों को मरवाया, जिसे कोई झगड़ा हुआ था तो उसे ट्रक से उड़ा दिया था उसने, वो सारे केसेस सामने आएंगे। तो उसका जो दिमाग है वो एक क्रिमिनल दिमाग है, जो उनको सिखाया जाता है उनके मज़हब में, उसको वही सिखाया गया है और वही करता आ रहा है वो, और वही करता रहेगा ये। तो आज जो वो उसे सज़ा मिलनी है वो कोर्ट में पेश होगी, और जज और मेरे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर उसे सज़ा देगी। तो मैंने जब अपनी आंखों से देखा है तो वो क्या और करता होगा। उसने मेरे सामने ड्राइवर को लाफा मारा, उस पर गाड़ी चढ़ा दी। जब माँ जिस दिन मरी है उस दिन राखी ने उसको 10 बार बोला कि भाई हमारे में जूता नहीं पहनते हैं, बोला मैं तुम लोगों का नहीं हूँ। मेरी माँ को उसने जो उठाया तो जूता पहन के उठाया था। ये शर्म की बात है कि अगर आप किसी की लाश उठाते हो तो आप पवित्र मतलब घर के अंदर लाए हो अपने, तो आप जूता पहन के लाओगे क्या? आपके इस्लाम में भी ऐसा होता है कि जब आप अपनी माँ की लाश उठाते हो या बाप की लाश उठाते हो तो आप जूता पहनते हो? शर्म की बात है। और राखी उसको बोलती रही, उसने उसको हटा दिया, इतनी ज़ोर से मारा तो राखी चुपचाप साइड में हो गई। तो इतनी टॉर्चर वो झेल रही है, इतनी टॉर्चर से वो पीड़ित हो रही थी, तो मैं और क्या करती। पुलिस, मीडिया और पब्लिक के हाथ जोड़ के यही कहती ना कि मुझे बचा लो वरना ये मुझे मार देगा। तो आज वो पुलिस के पास गई है, इंसाफ के पास गई है, लॉ के पास गई है, और उसे सपोर्ट करो। और उसकी सपोर्ट से ही अगर वो जीत गई तो इस देश की हर बेटी जीत जाएगी। देखिए, पहले तो उनका केस ये था कि उन्होंने जो FIR लॉन्च कराई थी, FIR नंबर 119 ऑफ 2023, उसमें ये एलिगेशन था कि उन्होंने, मेरे क्लाइंट ने उनका पैसे के साथ में हेराफेरी की है। सो सेक्शन जो अप्लाई हुए थे वो 406(4)(323), 504 और 506(2) था। उसके बाद मेरे क्लाइंट को राखी के घर से अरेस्ट उठाया गया, जिस टाइम पे वो लड़का अपना कपड़ा लेने गया था वो राखी के कहने पे आया था। उसके बाद फिर वो यहाँ पे आने के बाद पुलिस ने उससे सेक्शन 41 का नोटिस पुलिस स्टेशन में ही सर्व किया। उसके बाद मेरे क्लाइंट का डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, जिसमें मेरे क्लाइंट ने सारी चीज़ें क्लियर करी कि पैसे का लेन देन कैसे, क्या हुआ था, क्या नहीं। उल्टा मेरे बहुत ही ह्यूज अमाउंट लगा हुआ है, मैंने खर्च किए। जैसे ही पता चला है कंप्लेनेंट को कि ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो चुकी हैं पुलिस स्टेशन में, और उनको लगा है कि मेरा क्लाइंट छूट सकता है सारी चीज़ों से लीगली, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन आए हैं और उन्होंने 376 और 377 का एलिगेशन किया है, और उसमें ये सेक्शन ऐड हुए हैं उसके बाद, जो पूरी तरीके से झूठा है, प्री प्लान है, आफ्टर थाट मैंने किया। बैंक स्टेटमेंट तो हमने भी पुलिस को बोला है कि हम भी आपको बैंक स्टेटमेंट देते हैं। हमने अपना सारा बैंक का वो डिटेल दिया हुआ है, मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वो भी दिया हुआ है, जो हमारा बिजनेस अकाउंट है राखी के साथ में जॉइंट जो ऑपरेट होता था उसका भी डिटेल दिया हुआ है। लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट, द ट्रुथ विल कम फॉरवर्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजनेस अकाउंट था आदिल और राखी का, वो जॉइंट अकाउंट था, जिसमें जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता था OTP आता था 6 डिजिट का, जिसमें से 3 डिजिट राखी जी के उस पर आता था और 3 डिजिट नंबर जो है आदिल के उस पर आता था। दोनों का मिला के जब 6 डिजिट का नंबर एंटर होता था तभी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होता था।
तो ये फैक्ट अपने आप में ही सफिशियंट है ये बताने के लिए कि मेरा क्लाइंट कितना निर्दोष है इसमें। अभी देखिए, अभी कोर्ट में अभी इनको प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन की क्या दलीलें होती हैं सामने से, और हमारी जो भी है जो फैक्ट्स है वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे। लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड। पहली बात तो कार मेरे क्लाइंट की है और वो क्लाइंट मेरे क्लाइंट के कहने के हिसाब से मेरे क्लाइंट की गाड़ी जो है और चाबी वो राखी जी के घर पे ही पड़ी हुई है, और पुलिस को हमने ये बातें बताई हैं। लेट पुलिस को उनको गाड़ी को रिकवर करने दीजिए, सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड टाइप का एलिगेशन है जो सारे मैटर में लगाया जाता है, और प्रोसिक्यूशन को कुछ ना कुछ तो चाहिए बोलने के लिए, बट उसको सब्सटेंशिएट कितना कर सकते हैं, उसको प्रूव कितना कर सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है।